चुकी हूँ और एक रेसिपी के साथ। तो गाइस आज का रेसिपी जो है वो है मटका पिज्जा, मतलब पिज्जा जो है वो बनने वाला है एक मटके में। तो चलिए गाइस फर्दर एनी डिले आप लोगों को ले जाते हैं किचन में और बाकी सारी बातें वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने सारे जो प्रिपरेशन है मैंने करके रखा है। तो चलिए प्रिपरेशन क्या क्या करके रखा है देख लीजिए और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है एक बार देख लीजिए, उसके बाद पूरा रेसिपी जो है स्टार्ट कर। ये रहा मेरा प्रिपरेशन सारा। तो पहले तो आप मटका पिज्ज़ा के लिए एक मटका चाहिए होगा, तो अगर आप लोगों के पास ऐसा सुंदर मटका अगर दुकान में नहीं मिल रहा हो तो आप कोई अच्छा सा ग्लास भी ले सकते हैं जिसमें लस्सी मिलता है। और इसे मैंने ओवरनाइट जो है पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद सूखा के मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ मैं। और मैं बेस के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ नूडल्स, जो कि मैंने यहाँ पे स्पैगेटी नूडल्स लिया है। तो मुझे स्पैगेटी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ये वाला नूडल्स लिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, खाली बर्तन, जिसमें मैं ये जो चिकन है इसको अच्छे से मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रखने वाली हूँ। और चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम, जिसे अच्छे से क्यूब करके मैंने कट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे अभी वेजिटेबल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही कैप्सिकम लिया है जिसको मैंने 3 साइज़ में कट कर लिया है। तो ये वाला जो साइज़ है वो है ऐसे मीडियम वाला, जो कि मैं नूडल्स बनाने के टाइम दूंगी। और ये वाला जो है एकदम छोटा छोटा करके लिया है, जिसको मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए दूंगी। और ये वाला जो है वो फाइनल डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच बटर लिया है, एक मीडियम साइज़ का ऑनियन, और यहाँ पे 8 से 9 जो है गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, और 1/2 इंच जिंजर। और क्योंकि ये पिज़्ज़ा है तो इसमें बहुत सारा चीज़ लगता है, विदाउट चीज़ ये अच्छा लगेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है अमूल का, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने लिया है शेडेड चीज़, वो भी अमूल का। तो चलिए और बाकी जो सारे सॉसेस जो है मैं मैरिनेशन के टाइम करते जाऊँगी और आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है चिकन, तो अभी इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी करीबन 1/2 चम्मच, 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए अभी चिकन को साइड करते हैं और लहसुन जो है अच्छे से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो है चॉप कर लिया है, तो अभी इसे मैं दे देती हूँ चिकन में। और ये जो जिंजर है इसे मैं दे देती हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस यहाँ पे मेरा चिकन जो है अच्छे से मैरिनेशन हो चुका है, अभी इसे मैं 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दूंगी, उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। तो गाइस मैंने चिकन जो है मैरिनेशन के लिए रख दिया है 15 मिनट, अभी वो रहेगा और तब तक चलिए नूडल्स का जो प्रिपरेशन वो कर लेते हैं। चलिए तो गाइस यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है गार्लिक अच्छे से कट कर लिया है और अभी चलिए नूडल्स को बनाते हैं। तो गाइस अभी मैं गैस ऑन करके ये जो कढ़ाई है नॉन स्टिक कढ़ाई, इसको मैं अच्छे से गर्म करने के बाद और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी करीबन 3 चम्मच, और इसे अब मैं अच्छे से फैला दूंगी। और ये जो कटा हुआ जो गार्लिक है वो अभी दे दूंगी। मुझे ये गार्लिक वाला जो फ्लेवर है बहुत पसंद है। अभी इसमें ये जो मैंने प्याज कट के रखा है ये दे दूंगी, और ये जो थोड़ा बड़ा साइज का जो है मैंने कैप्सिकम लिया था वो भी अभी दे देंगे।
तो गाइस ये मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और गैस जो है हाई फ्लेम में ही रखना है। अभी इसमें जो है मैं जो सॉसेस है वो ऐड करूँगा, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, आधा चम्मच जो है सोया सॉस, करीबन दो चम्मच टोमेटो सॉस, अच्छे से थोड़ा सा पानी। सॉस देने के टाइम फ्लेम हमेशा कम करना, नहीं तो ये जलने की संभावना होती है। चलिए अभी इसमें थोड़ा सा गैस फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मेरा जो है नूडल्स। फिर से इसको जो है हाई फ्लेम में कर देना है। तो नूडल्स मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी चलते हैं चिकन की प्रिपरेशन। तो बस 15 मिनट हो चुका है, अभी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा जम चुका है, मतलब 15 मिनट एकदम अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे पहले ही नमक दे देती तो इसको चिकन के अंदर से पानी छोड़ देता। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, अंडा, येलो जो पार्ट है ये पहले मैं इसके अंदर दे दे रही हूँ, इसे पहले अच्छे से जो है मिक्स करूँगी। वाला जो है इसे अच्छे से मैं फेंट लूंगी, इसे थोड़ा बहुत फेंट लिया है मैंने। अभी एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लावर लूंगी, अभी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, करीबन 3/4 चम्मच। ये ले लिया मैंने चिकन, उसे अभी इस अंडे में अच्छे से कोट करना है। से अभी ये मैदा और कॉर्नफ्लावर के कोट में अच्छे से, ऐसे करके बाकी सारे जो है चिकन को कोट कर लें। अभी मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन रख दिया है गैस के ऊपर, गैस जला लिया है और इसमें करीबन 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल में दे दे रही हूँ। थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद चिकन जो है इसमें देके अच्छे से फ्राई करना है। तो गाइस मेरा गैस अभी गर्म हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा लहसुन जो है वो कट कर ले रही हूँ, क्योंकि चिकन में देने से पहले थोड़ा सा लहसुन देना प्रेफर करती हूँ, तो उसमें क्या है अच्छा सा फ्लेवर आता है। ऑयल में अगर फ्लेवर रहेगा तो पूरा चिकन में ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं दे दे रही हूँ, थोड़ा सा ही है मैंने दिया है, दो जो है बड़े साइज का जो है गार्लिक क्लोव्स मैंने यहाँ पे दिया है, तो इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं इसमें चिकन जो है उसे ऐड करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा चिकन जो है फ्राई हो चुका है, अभी इसे मैं एक बोल में उतार लेती हूँ और उसके बाद चिकन का जो सॉस है वो बना। तो गाइस मैंने पूरा चिकन जो है इस बोल में उतार लिया है, अभी इस सेम पैन में ही मैं जो है इसका सॉस और कह सकते इसका जो ग्रेवी है वो मैं तैयार करूंगी। तो अभी मैं दे रही हूँ करीबन 2 चम्मच टोमेटो सॉस,
एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच रेड चिली सॉस, दो चम्मच पानी। अभी इसे ये जो लहसुन है इसके साथ अच्छे से हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ चम्मच सॉल्ट इसे अच्छे से मैं मिक्स कर। तो गाइस यहाँ पे मेरा सॉस मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी जो ये चिकन है मैं इसमें दे दूँ। अभी गैस एकदम हाई फ्लेम में इसे पकाना है। तो मेरा ये चिकन ये तैयार हो चुका है। देखिए तैयार हो चुका। तो ये तैयार हो चुका है। अभी चलिए गैस बंद करके पूरा पिज्जा जो है उसे असेंबल करते हैं। चलिए का जो प्रिपरेशन है सब रेडी हो चुका है। अभी जो है इस पिज्जा को मतलब मटका पिज्जा को असेंबल करना है। तो उसके लिए पहले तो हम लोगों ने ले लेना है ये दो मटका। तो थोड़ा सा बटर मैं इसके अंदर दे दे रही हूँ। तो गाइस आज जो ये मटका पिज्जा पूरा रेडी होने वाला है विदाउट ओवन। चलिए थोड़ा सा अभी नूडल्स इसमें ऐड करते हैं। मैं दे रही हूँ ये मैंने जो चिकन बनाया है चिकन। अभी मैं दे रही हूँ ये मोज़रेला चीज़। तो थैंक्स टू भाई कि मोज़रेला चीज़ और ये शेडर चीज़ जो है भाई ने ही सेट किया है। तब मैं कुकिंग कर रही थी तो अंदर जो है चीज़ ऐसे दे देंगे चीज़ का एक लेयर हो गया। थोड़ा सा श्रेडेड चीज़ जो है ये फ्लेवर चीज़ है ये आप एवर मतलब नहीं भी दे सकते लेकिन मोज़रेला चीज़ यहाँ पे देना ही है। मतलब इसका क्योंकि पिज़्ज़ा है तो मोज़रेला वो चुई वाला जो है वो रहना तो ज़रूर चाहिए। अगेन मैं दे रही हूँ थोड़ा सा नूडल्स। फिर से चिकन चीज एकदम भर के देना है। अभी देना है ये जो मैंने छोटा सा कैप्सिकम कट करके रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं दे रही हूँ। तो एक लुक आने के लिए जस्ट तो अभी इसमें ये वाला जो ऑरिगेनो है मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ तो इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आएगा। फाइनली देने वाली हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर से सॉस। तो गाइज मेरा जो हांडी पिज़्ज़ा है वो ऐसा रेडी हो चुका है। अभी सिर्फ इसे जो है मैं अभी ओवन के जगह पे जो है कढ़ाई में दूंगी। तो चलिए तो गाइज अभी मैं ये ऐसे बड़ा साइज का कढ़ाई जो मैं बैठा रही हूँ ऐसा कोई बड़ा कुछ लेना है बर्तन लेना है जिसमें जो है हांडी जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसे सेट करते हैं। देखिए ऐसे
अभी इसे जल्दी से मैं ढक देती हूँ। गैस जो है हाई फ्लेम में ही रहेगा 5 मिनट के लिए और 10 मिनट के लिए रहेगा लो फ्लेम में। उसके बाद चेक करेंगे कि पिज़्ज़ा जो है अच्छे से मेल्ट हुआ, मतलब ऊपर वाला जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हुआ है कि। तो गाइस 15 मिनट हो चुका है, 5 मिनट हाई फ्लेम में और 10 मिनट स्लो फ्लेम में मैंने जो है इसको रखा है। तो अभी इसे खोल के देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं। तो चलिए, तो मैंने ये रख दिया था थोड़ा जो है वेट ज़्यादा करने के लिए, तो आप भी कुछ ऐसा कुछ रख देना। बस देखिए मेरा ये मटका पिज़्ज़ा जो है रेडी हो चुका है, एकदम गरम गरम धुआ चल रहा है। तो अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे जो है मैं उतार लूँ। तो थोड़ा सा मतलब 1 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि एकदम ज़्यादा ठंड नहीं होना दे सकती मैं, तो इसे एक एक करके मैं उतार लूँ। अभी ये मैंने जो रिंग कैप्सिकम मैंने रखा था, ये जस्ट इसे प्लेट को ऐसे साइड से डेकोरेशन को, तो अभी ऐसे जो है मैं डेकोरेशन साइड से कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ डेकोरेशन की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं साइड से ऐसे ये अपने आप में ही इतना सुंदर है कि और कोई डेकोरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा, ये अनोखा वाला डिश आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और इस विंटर में ये वाला पिज्जा घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, गुड बाय।